झाला. यावेळी मोठ्या संख्येने मुस्लिम समाज उपस्थित होता. कोण म्हणताय की मुस्लिमांना राष्ट्राभिमान नाही, स्वातंत्र्य संग्रामासाठीही आधीपासून भारत भूमीसाठी मुस्लिमांनी रक्त सांडले आहे, याला इतिहास साक्षीदार आहे, असे उद्गार ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी संघटनेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष सादिकभाई शेख यांनी काढले. मिरज येथील अल्फतह उर्दू शाळेत 15 ऑगस्ट रोजी सादिकभाई शेख यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. यावेळी मुस्लिम समाज मोठ्या संख्येने उपस्थित होता. वंदे मातरम म्हणण्यास मुस्लिम समाजाने नकार दिल्यामुळे काही नेत्या समाजावरच देशद्रोहाचा आरोप केला होता, परंतु भारतीय मुस्लिमांच्याही रोमारोमात देशप्रेम भरलेले आहे. ज्या देशात तुम्ही राहता व जन्मता त्या देशावर प्रेम केल्याशिवाय तुम्ही परिपूर्ण मुसलमान होऊ शकत नाही, ही पैगंबर साहेबांची शिकवण आहे आणि ती शिकवण प्रत्येक भारतीय आचरणात आणतो, असे उद्गार सादिकभाई शेख यांनी यावेळी काढले. यावेळी माजी नगरसेवक सलीम सौदागर, मोतीशेख कच्ची, जब्बार बागवान, मौलाना शफिकुर रहमान, मौलाना रोफ, बादशहा पाथरवट, अशरफ वांकर, मकसूद भादी, जैलाब शेख, यासर सौदागर आणि अल्फतह स्कूल आणि पतपेढीच्या कर्मचारी उपस्थित होते. बताया हमने
हमारी वफादारी का उन्हें हम क्या सबूत दें, हमारी वफादारी का उन्हें हम क्या सबूत दें, कुर्बानी देकर सजाया इस मुल्क को हमने। जंगे आजादी कर और मुल्क को आजाद करने में हम सीमित नहीं रहे। उसके बाद जब भी हिंदुस्तान के ऊपर बुरी नजर पड़ोसी मुल्क की पड़ी, उस वक्त मुसलमानों ने अपनी जान गंवाकर इस मुल्क को बचाया है। शहीद अब्दुल हमीद हो, ब्रिगेडियर उस्मान हो और ऐसे कई लोग हैं जो इस्लामी के मुसलमान थे, इस मुल्क से मोहब्बत करके उन्होंने अपनी जान गंवाकर इस मुल्क को बचाया है। और उसके बाद इस मुल्क को सजाने के अंदर भी हमारा अहम किरदार है। जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, जिनकी तारीख हम एक पैराग्राफ के अंदर पढ़ते हैं किताबों के अंदर, लेकिन मौलाना आजाद की तारीख अगर हम पढ़ेंगे तो एक किताब उसके ऊपर मुस्तकिल बनी, एक पैराग्राफ की तारीख नहीं है। आईआईटी हो या आईआईएम हो, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में बहुत बेहतरीन तकरीर की, लेकिन इस आईआईटी आईआईएम और विश्वविद्यापीठ की जो बुनियाद डाली है ये हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने डाली। आशियाने में सबसे बड़ी तंजीमें तालीमी बहन की रहे शिक्षण संस्था, इसको उस वक्त 3 लाख का डोनेशन देकर ग्रैंड जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनने में कुवत दी है। उसी के साथ साथ हमारे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, इन्होंने भी इस मुल्क को बचाने के लिए सजाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। तो मेरे भाइयों, तलबा और तमाम जितने मुझे बैठे हुए हजरा से मैं गुजारिश करूंगा कि जैसे मौलाना ने कहा है, योम आजादी योम जमहूरियत हम इसी तरह मनाते हैं और मनाते रहेंगे। हमें जिसको हमारे वफादारी हमारे किताबों में से ये तालीम दी जाती है, उससे आगे बढ़कर हमारे पुरखों की कुर्बानी, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी जंग आजादी में है या मुल्क के मुस्तकबिल को बनाने के अंदर है या इस मुल्क के गुलिस्तान को सजाने के अंदर है, इस सब की आजादी, इस सब की तारीख हमारे बच्चों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। हमारा बच्चा अगर हम पढ़ेगा इस तारीख को तो इसके अंदर वतन मोहब्बत भी पैदा होगी, वतन की मोहब्बत पैदा होने के बाद कोई भी वतन के खिलाफ काम नहीं करेगा और वतन को सजाने के लिए उसी की कुर्बानी देगा। और जब कोई मिर्जा पर हमारे वफादारी का सबूत मांगेगा तो उसके एक चीज के तमाशे में रख देगा कि हमने इस तरीके से वतन को आजाद किया है, इस तरीके से सजाया है, इसकी जमहूरियत बरकरार रखने में हमने इतनी कुर्बानी दी। जिस तरीके से दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन जमहूरियत हिंदुस्तान की है, उसी तरीके से मैं फखर से कहूंगा इस हिंदुस्तान के अंदर धर्म निरपेक्ष और सेक्युलरिज्म अगर कोई कौम है तो वो सिर्फ मुसलमान है। इतनी तादाद मुसलमानों की सेक्युलरिज्म दिखाई नहीं जाती है, इतनी किसी कौम की नहीं जाती। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा इस इल्म को भी हासिल करो जो हमारे किताबों के अंदर नहीं है। हमारे उलमा हजरात से, हमारे टीचर से पूछो कि हमारे मुल्क के अंदर हमने कुर्बानी क्या दी है और उसको तकरीर के अंदर तहरीर के अंदर लाकर, मैं तो गुजारिश करूंगा चेयरमैन साहब से कि आप इसका तहरीरी तकरीर मुकाबला रखो और उसके अंदर पूरे हमारे सांगली जिले के जितने भी तंजीमें हैं, स्कूल है, उर्दू लाइब्रेरी या मदरसे हैं, सबको उसके अंदर शामिल करो। इस मुकाबले के जरिए लोगों के सामने बात आना है कि जंग आजादी के अंदर मुसलमानों की कुर्बानी क्या है, जमे कुर्बानी है, जमात इस्लामी है, अहिल्या हदीस है, तमाम जितनी भी आज उसको फिरका बोलते हैं मेहनत है और सबकी कुर्बानी है। इतना बोलकर मैं सबको गुजारिश कर रखना चाहूंगा, यहाँ पर बुलाए थे मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार नारा लगाऊंगा, योम आजादी जिंदाबाद।